भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। आप पितृ मोक्ष अमावस्या चाहे अमावस का थे और जब पितरन की अमावस होते है नौ दुर्गन के ठीक एक दिन पहले जो अमावस आते है और अब हमारे जो पुरखा थे उनकी विदाई को आज आखिरी दिन है। अब तक 9 दिन तक 15 दिन तक जो चलत रहा 14 दिन तक चलो खूब पितरन की विदाई दी गई। जल दाओगा पानी दाओगा होने पर रोज घाटन पर जाके आदि ने कोसा उसा लेके और पितरन के पानी देते रहो। हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर भारत की देश की हिंदुस्तान की बुंदेलखंड की संस्कृति पे। चाहे ऐसी संस्कृति है कि जहाँ पे जिये जिंदा जिये तो ठीक है मरवे के बाद भी पुरकन के आदमी भूलत नहीं है। एक बात ऐसी आई थी कि जब औरंगजेब के बाप ने लड़का ने बंद कर दो जेल में सो वो यही कहा तो जेल खाने में डरो कि हमें लाना था बेटा कि तुम्हारी ऐसी औलाद। भाई धन्य है वह संस्कृति जो उनके हमने पावन से कुचलो। उस संस्कृति में ऐसे लोग भी है कि मरवे के बाद अपने बापन के पानी देते और तेने तो जिंदा जियत मुँह जेल में डाल दो। सो जो तो खेल एक आख्यान है तो हम जो बता रहे हैं कि पितरन की विदाई को आज एक कार्यक्रम हो रहा हो तो हमें योग विधान सेवा समिति के आश्रम में जो आसाराम बापू को आश्रम है वो आसाराम बापू ने ही देश में एक काम जो करोगे भारतीय संस्कृति के इतना अच्छा वो आदमियों के बीच ले जावे नई पीढ़ी के बीच ले जावे वो अच्छा बनाए रखे के लाने उन्हें ऐसे ऐसे कार्यक्रम शुरू करे कि आज भी उन्हें वे जेल में हैं षड्यंत्र के तहत साजिशन के तहत लेकिन उनके बाद भी उनके जो अनुयायी हैं उनके जो शिष्य हैं उनके जो मानने वाले उन्हें समझने वाले हैं उन वे आज भी उनके उन बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और कारण यही है कि इसे चल रहा है कि काश उन्हें पता है कि जौन संत देश संस्कृति समाज के लाने तो कछु कर सकत वो निश्चित रूप से निर्दोष है। सो खैर जहाँ अलग लंबी व्यवस्था है बातचीत की हम जो उन चीज़ पे बात कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं कि आज इतने पे हम आए थे योग विधान समिति के आश्रम में और इतने पे पुरखन की विदाई को एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा हूँ। आज अलग अलग जगह कार्यक्रम तालम पर गए आदमी घाटन पर गए लेकिन इतने पर जो पुत्रन की विदाई के लाने जो कार्यक्रम भाव है जो पुरखन के लाने भाव है उनमें अच्छी बात यह है कि भगवान श्री राम ने जैसे अपने पूर्वजन के लाने अपने पुरखन के लाने ज्ञात अज्ञात पुरखन के लाने जौन विधि अपनाई थी उनकी तर्पण के लाने उनके उद्धार के लाने वही विधि से इतपे भी आज इतपे जो सब करूँगा। सो हम सीधे आयोजन से जोड़ रहे हैं और फिर हम आपसे बात भी लोगों की करा है। नामोकत्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां यति सद्यो वंदे तमुच्यतम यतः पादपद्म स्मरणा यस्य नाम जपा दपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तम। अब तीन बार आप कहेंगे ओम विष्णुवे नमः। अब शंकर जी कहेंगे तीन बार ओम सांब सदाशिवाय नमः। चलो गीता पढ़ते हैं। हेलो भैया पुरखन की जब विदाई हो गई और सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के हिसाब से हो गई। पंडित जी हमारे संग है तो पंडित जी से हम पूछे ले रहे कैसे नहीं ने पूरा जो कराओ है विधि विधान से पुरखन के जल तर्पण कराओ ज्ञात अज्ञात जितने पुरखा थे। सो पंडित जी हैं जो रीवा के हैं लेकिन काटते हमें बघेलखंडी बोल रहे। सो हम इनसे बात करा दे रहे महाराज जो आज कराओ है जो विधि विधान से सो जो कैसो कहा तो थोड़ा बता दो जी। भाई सभी लोगों को राम राम
और हम यह बतावे चाहे थे कि ये पितृ पक्ष में जो ये काम करे चाहिए, इस प्राणी मात्र को करना चाहिए, इसमें देवता भी खुशी हो जात हमा और पितृ देवता तो होते ही हाँ और ऋषि गण भी खुशी हो जात हमा ता और मतलब घर में सुख शांति संपदा धन स्वास्थ्य अच्छा सबकी बढ़ोतरी होती, ये प्राणी मात्र को करे चाहिए सबका। भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्कर में गए थे तो उन्होंने वहाँ भी किया और गया में करी नहीं वहाँ पर बढ़िया जा करके। तो आजकल सब पाश्चात्य कल्चर के कारण लोग दिनों दिन ये चीज़ का भूलत जाता जा रहे हैं। कोई इतना मतलब आई एम भेरी बिजी तो भगवान भी कहते हैं आई एम नो इजी, हम भी उनके लिए आसानी से नहीं मिल सकते ऐसे लोगों को। तो ये सबको करे चाहिए बढ़िया। और प्रातः स्मरणी पूज्य पाठ संत श्री आसाराम बापू जी का देश विदेशों में तर्पण हो रहा है, विदेश में भी हो रहा, जो भोगियों का जो देश है वहाँ भी ये अच्छा कार्य हो रहा है, वहाँ भी योग और सीखे जा रहे हैं। और यहाँ तो होता है प्रत्येक आश्रम ये होते हैं, हर जगह पूरे छत्र पूरे भारत में आश्रम है, वहाँ हो रहा बढ़िया विधि विधान से। और जब अपना पचैया विधि विधान से करी थी, जल्दबाजी वाला काम नहीं, आराम से, तो खुद को संतुष्टि मिली और इसका मतलब है कि पितृ हमारे जो हैं स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके सबको करना चाहिए और आज विदाई का है, हम भी उनको प्रणाम करते हैं। और बस पंडित जी ने देखो बघेली में बता दो, हमें यही से कहती है लोकल वालों चैनल से अपनी जो मातृभाषा है वही पे सबके बात करने। जो हमारे कमलेश ससाठी जी हैं इनसे हम पूछ ले आज जो आयोजन है तो कैसे कहा तो बता दो थोड़ी सी बारे में। जो भैया हम आए थे हर आश्रम जितने भी आसाराम बापू जी के आश्रम है सब जगह जो मनाओ जाते हैं ना, इनमें अपने जो पितृ इधर उधर भटकते रहते हैं और योनियों में रहते हैं उनको तृप्ति नहीं मिलती है, तो जिनको तिथियां याद नहीं रहती हैं, तो गुरुदेव ने बताया है कि बापू जी ने जो बताया है कि अमावस्या एक ऐसा है कि इसमें सारी जो भी तिथियां जिसकी कोई की नवे है कोई की दस है कोई की ग्यारह है, तो जिनको नई तिथियां याद रहती हैं तो अमावस्या को अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं। तो आश्रमों में जो हमारे शास्त्रों में वेद पुराणों में लिखा है उसी में बापू जी ने इसका विस्तार से वितरण कर बताया है कि ताकि पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। यही है, एक सच्चे गुरु जब होते तो सही दिशा भी देते अपने शिष्यन के। और भले ही भी आज कहूँ हो कौन भी लीला के तहत जहाँ भी हो, लेकिन आज भी उनके बताए रास्ता, उनके बताए जो मार्ग हैं, उनके बताए जो दही वही चीज़ें हैं भारतीय संस्कृति के समृद्ध और मजबूत बनाते हैं। सो बुंदेली चुगली में हम ऐसी खबरें दिखाते रहे। हम है तलक सिंह के संगे बापू के आश्रम से नीरज।